हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर महिंद्रा ट्रैक्टर की लाइट ना जले तो किस तरीके से हम उसे चेक करें, किस तरीके से सही करें। इसका स्विच, लाइट स्विच जो है वो बेकार था, तो हम किस तरीके से लाइट स्विच चेक करेंगे। हमें बीच वाले पॉइंट पर जो है करंट चेक करना है। अगर करंट आ रहा है तो ये दोनों पॉइंट पर हमें करंट दे के देखना है। देखिए, लाइट मैंने वहाँ से करंट दिया, लाइटें हमारी जल चुकी हैं। तो सबसे पहले तो जो है हमें इसके फ्यूज चेक करना है। फ्यूज 15-15 एम्पियर के इसके ये साइड में होते हैं, और फ्यूज़ अगर सही हो तो हमें मेन वायर पे करंट चेक करना है। और मेन वायर पे करंट आ रहा है तो हमें फिर किस तरीके से हम चेक करें, किस तरीके से हम स्विच बदलें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। नया स्विच मैंने ऑलरेडी मंगाया हुआ, क्योंकि मुझे पता था इसका स्विच जो है ख़राब है। तो अब हम इसका, सबसे पहले हम इसका मेन वायर खोलेंगे। हमने इसको चेक कर लिया, चेक करके मैंने आपको बता ही दिया कि ये बीच वाला जो है वो मेन वाला वायर से, अगर इस पर करंट आ रहा है तो हम लाइट के दो पॉइंट के वायर आए हुए हैं, इन पर हम करंट दे के डायरेक्ट चेक कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो अब हम आपको स्विच इसका नया डाल के और फिर आपको चेक करके बताएंगे। देखिए, ये बीच वाला जो वायर होता है, ये मिंडा का स्विच लिया हुआ मैंने। बीज वाला जो वायर होता है वो मेन होता है, ये हम मेन वायर में, ये मैंने मेन जो है कस दिया है ना। और ये एक उस साइड का जो है वो है पार्किंग का है ना। बीच में मेन कसा आएगा और आजू बाजू में हमारे लाइट के जो है दोनों पॉइंट के कनेक्शन वो कसाएंगे। तो अभी लाइट स्विच ऑन है, इसलिए जो है लाइट जलाई, मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत आसान होता है इसका स्विच बदलना। आप घर पर भी इसका स्विच जो है प्लास और पेंचकस की मदद से बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है स्विच के लाइट के हमारे कंप्लीट वायर कसा चुके हैं, और इन्हें जो हमें थोड़ा सा दूर कर दें ताकि आपस में भी टच ना हो और हमारे बॉडी पे भी टच ना हो। अब ये पार्किंग का जो है मीटर लाइट साइड पार्किंग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्किंग का वायर है, तो इसे भी हम खोल के जो है पार्किंग पर कस देंगे। इस तरीके से जो है हमारा पूरा स्विच बदला चुका है। ये मैंने जो पार्किंग का वायर खोल लिया, पार्किंग का वायर कसता हूँ। और अगली वीडियो बताएं आप किस टॉपिक पर हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने जो है पार्किंग का वायर कस दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये देखिए पार्किंग चालू, एक नंबर पे, दो नंबर पे हमारी लाइट, ये डिफर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा पूरा स्विच जो है कंप्लीट हो गया। अभी हम इसमें टैप आप ज़रूर इसमें अच्छी तरीके से जो है टैप लगा दें, ताकि कहीं से शॉर्ट सर्किट ना हो। इस तरीके से जो है आप अगर टैप लगाएंगे तो कहीं से भी कोई ख़तरा नहीं होगा ना। और फिर हम इसकी निपल जो है माचिस की सीक की सहायता से इसकी निपल जो है खींच के निकाल लेंगे। फिर ये 17 नंबर डिब्री होती है इसमें, इसको हम खोल के स्विच को इस तरीके से जो है कस देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमें वाइजर भी डालना है ताकि ये स्लिप ना हो। बहुत सी बार क्या होता है, स्विच लूज़ हो जाता है तो हमें बार बार परेशानी उठाना पड़ती है। और प्लास की मदद से, प्लास या 17 के पाने से आप फिक्स पाने से अच्छी तरीके से इसे टाइट कर दें ताकि ये खुले नहीं। और हम जो है अब वो निपल जो है ये लॉक की साइड से
फंसा कर उसे खींच के देख लें ताकि निकल तो नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।